नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आप देख रहे हैं चैनल दीपक करे। दोस्तों, हर किसी की यह चाहत होती है कि वह जो भी करियर चुने उसमें खूब उसे तरक्की मिले, अच्छी खासी सैलरी मिले, सुख सुविधाएं भरी उसका जीवन शैली हो। लेकिन ऐसी हाई पेइंग जॉब पाना आसान नहीं होता। इसके लिए किसी अच्छे संस्थान से उपयुक्त योग्यता और गहरी नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है, तब कहीं जाकर ऐसी नौकरी पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि आज के दौर में कौन कौन सी हाई पेइंग करियर हैं जहां लाखों की सैलरी पैकेज ऑफर किया जाता है। सबसे पहले पर आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आकर्षक व हाई पेइंग करियर है। इस फील्ड के प्रोफेशनल कॉरपोरेट वर्ल्ड व गवर्नमेंट के लिए धन जुटाने का काम करते हैं, साथ में वित्तीय सलाह भी देते हैं। इनकी शुरुआती सैलरी करीब 5 से 8 लाख रुपये सालाना तक होती है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग विभिन्न बैकग्राउंड के लोग बन सकते हैं, फाइनेंस, अकाउंटिंग, मैथ में हायर डिग्री रखने वाले कैंडिडेट इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर करियर बना सकते हैं। इनमें से एमबीए को छोड़कर लोग सभी कुछ 12वीं की बात कर सकते हैं, जबकि एमबीए इन फाइनेंस के लिए ग्रेजुएट होना आवश्यक होता है। चूंकि प्रमुख इसकी संस्थान होती है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि हैदराबाद में है, एमपी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि पुणे में स्थित है। दूसरे नंबर पर आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। किसी भी संस्थान में सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम बेहद जिम्मेदारी भरा होता है। जुलाई में जीएसटी, जिसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, लागू होने के बाद इन प्रोफेशनल्स की भूमिकाएं कहीं ज़्यादा बढ़ गई हैं। यह भी हाई पेइंग करियर है। ऐसे प्रोफेशनल की शुरुआत में ही 5 से 7 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिलता है। अनुभवी लोगों को सालाना पैकेज तो 25 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। सीए का मुख्यतः कार्य होता है अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग से संबंधित। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया संस्था में देश में सभी सीए का यह कोर्स कराती है और लाइसेंस प्रदान करती है। सीए का कोर्स 3 लेवल में पूरा होता है। एंट्री लेवल यानी कि सीपीटी में प्रवेश लेने के लिए 12वीं पास होना आवश्यक है। कॉमर्स और मैथ बैकग्राउंड के छात्रों के लिए यह कोर्स ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। तीसरे नंबर पर आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रोफेशनल किसी भी कंपनी की जान होते हैं। एक तरह से कहें तो वित्तीय मैनेजमेंट से लेकर कंपनियों के विभिन्न नीतिगत फैसले यही लेते हैं। यह प्रोफेशनल भी हाई पेड करियर में शुमार है, जहां एंट्री लेवल के पदों पर ऐसे प्रोफेशनल 3 से 4 लाख रुपए तक पैकेज का पा लेते हैं। अनुभवी लोग इस फील्ड में करोड़ों रुपए से भी अधिक सालाना पैकेज पाते हैं। इसी तरह नई और कर व्यवस्था में बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंस एडवाइजर की भूमिका भी बहुत अहम हो गई है। बिजनेस एनालिस्ट भी बहुत सी कमाऊ प्रोफेशन माना जाता है। इनकी सैलरी भी शुरू में 4 से 6 लाख रुपये सालाना तक हो जाती है। इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए फाइनेंशियल स्टडीज के कोर्स विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में कराए जा रहे हैं। चूंकि ग्रेजुएशन के बाद किसी अच्छे संस्थान से एमबीए करके भी इस क्षेत्र में करियर बना सकते। दोस्तों, इसके भी कोर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ से कर सकते हैं आप, जो कि अहमदाबाद में है, बेंगलोर में है। नंबर चौथे पर आता है पेट्रो इंजीनियरिंग। ऑयल एवं नेचुरल गैस सेक्टर आज के दौर का सबसे अधिक मुनाफे वाला सेक्टर है। सैलरी के मामले में भी यह कुछ एक चुनिंदा प्रोफेशन में से एक है। इस सेक्टर में काम करने वाले पेट्रो इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट या मरीन इंजीनियर्स हर माह लाखों रुपए की सैलरी पाते हैं। अनुभवी प्रोफेशनल्स 15 से 20 लाख रुपए सालाना तक का पैकेज पाते हैं। इसके अलावा इन्हें तमाम अन्य सुविधाएं जो मिलती है वो सो अलग है। 12वीं के बाद आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट इस फील्ड में करियर बना सकते हैं। चूंकि कुछ इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि मुंबई में है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज जो कि देहरादून में है, और तीसरी है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी जो कि यूपी में है, यहाँ से आप इनकी जानकारी ले सकते हैं इस सब्जेक्ट से। सबसे लास्ट नंबर आता है एविएशन। अफोर्डेबल फ्लाइट्स को बढ़ावा दिए जाने के कारण एविएशन इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है। इसमें पायलट और कैबिन क्रू की नौकरी का क्रेज भी युवाओं में जबरदस्त तरीके से है। इसकी वजह यह भी है कि इस फील्ड में ना केवल खूब पैसा है बल्कि रोमांच भी भरपूर है। एक कॉमर्शियल पायलट की औसत सैलरी 1 लाख रुपए से शुरू होकर 4 लाख रुपए प्रति माह तक होती है। दोस्तों, प्रति माह तक। अगर आप भी पायलट बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको किसी फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेना होगा, जो कि DGCA, डायरेक्ट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। एक कॉमर्शियल पायलट SPL मतलब कि स्टूडेंट पायलट लाइसेंस और PPL प्राइवेट पायलट लाइसेंस बनने के लिए 12वीं PCM विषयों से पास होना जरूरी होता है। चूँकि एविएशन के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट होती है आपकी जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेदमी रायबरेली में है, दूसरे पे गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में है, तीसरे पे अहमदाबाद एविएशन एंड एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि अहमदाबाद में है। तो दोस्तों, ये रही हैं आपकी 5 हायर पेइंग जॉब, जो कि इनमें से आपको जो भी सूटेबल लगे तो उसकी जानकारी आप गूगल से चेक कर सकते हैं और उनकी और भी मदद ले सकते हैं कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूट उनको करवाती हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को, जिससे आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। तो धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।